इट्स एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, राइट। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। इन द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट देर आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, देर आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एंड दे हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम और एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। तो उसी को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई प्रिमेटिव ऑर्गेनिजम्स जो है उनके पास में कुछ प्रिमेटिव टाइप ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑर्गन या सेल है, और जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते जाता है, एडवांस होते जाता है, वैसे वैसे एक्सक्रेटरी सिस्टम भी जो है वो एडवांस होती जाती है। ठीक है, तो देखिए हम लोग देख रहे थे टाइप ऑफ एनिमल, और हम लोग बोल सकते हैं कि फाइलम जो है उसकी बात कर सकते हैं। तो फाइलम पोरीफेरा, निडारिया, फाइलम पोरीफेरा एंड निडारिया, ठीक है, इनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है। इनके पास होता है, इनके जो सेल मेम्ब्रेन है उनके सेल मेम्ब्रेन से ही एक्सक्रीशन का काम चलता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लाज्मा लेमा, ठीक है, प्लाज्मा लेमा। उसके बाद आता है दैट इज प्लैटीहेलमिंथिस, इसको आप लोग फ्लैट वर्म बोल सकते हो, जिसमें प्लैनेरिया एग्जाम्पल है। तो प्लैनेरिया जैसे फ्लैट वर्म्स जो होते हैं, प्लैटीहेलमिंथिस जिनका ग्रुप है, फाइलम है, उनके पास जो ऑर्गन है फॉर द एक्सक्रीशन दैट इज प्रोटोनेफ्रिडिया। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, कि जिसको हमने प्लाज्मोलेमा बोला है वहाँ पे हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जनरल बॉडी सरफेस, एक्सक्रीशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखता हूँ जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया में स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसका नाम है फ्लेम सेल, तो बात चल रही है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। अभी तक हम लोग ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं कि अभी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है ना। दिस इज ऑल हम लोग कहेंगे कि एक फाउंडेशन है, बैकग्राउंड है टॉपिक का, कि हमें ओवरऑल हिस्ट्री पता रहे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसका एक बेसिक बैकग्राउंड हमें पता रहे, उसके बाद हम लोग एक्चुअल ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो फाइलम पोरीफेरा निडारिया के पास में प्लाज्मा लेमा या जनरल बॉडी सरफेस है जहाँ से एक्सक्रीशन होता है, रिमूवल ऑफ मेटाबोलिक वेस्ट होता है। एक्सक्रीशन होता है मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ मेटाबोलिक वेस्ट। प्लैटीहेलमिंथिस के पास प्रोटोनेफ्रिडिया एंड फ्लेम सेल है। एस्केलमिंथिस मतलब राउंड वर्म्स हो गए, एस्केलमिंथिस का मतलब हो गया राउंड वर्म। तो जिनके पास में है एच शेप रिनिट सेल, एच शेप रिनिट सेल्स थ्रू विच दे परफॉर्म द एक्ट ऑफ एक्सक्रीशन। उसके बाद एस्केलमिंथिस के बाद आता है एनेलिडा। आप लोग इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अर्थवर्म है, हम लोग कहेंगे लीच है, तो एनेलिडा अर्थवर्म लीच जैसे ऑर्गेनिजम्स इस ग्रुप में आते हैं, फाइलम में आते हैं। तो एनेलिडा में, एनेलिडा के पास एज ए एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, नेफ्रिडिया, क्या है, नेफ्रिडिया।
उसके बाद आता है फाइलम का नाम, दैट इज आर्थ्रोपोडा। इनके ये द लार्जेस्ट फाइलम, ऐसा हम लोग कहेंगे द लार्जेस्ट फाइलम इन द वर्ल्ड आर्थ्रोपोडा। इसमें बहुत नंबर ऑफ ग्रुप्स आते हैं और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। आर्थ्रोपोड्स का मतलब होता है कि जिनके, हाँ वेरी गुड बेटा, इंसेक्ट्स इसके अंदर आते हैं। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस ये इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये थे फ्लैट वर्म्स, ये थे राउंड वर्म्स, एनेलिड्स मतलब जिनके पास सेगमेंटेड बॉडी होती है। एनेलिड्स का मतलब अर्थवर्म हम लोग कह रहे हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे है आर्थ्रोपोड्स, जिसके अंदर सबसे बड़ा एक ग्रुप आता है इंसेक्ट्स, ठीक है। तो तीनों ग्रुप का अलग अलग हम लोग बताएंगे, जो लार्जेस्ट थ्री ग्रुप्स है आर्थ्रोपोड्स के। जॉइंटेड अपेंडेजेस जिनके पास होते हैं, लिम्स जिनके पास होते हैं, ठीक है। कॉकरोच जिसका एग्जांपल हम लोग पता है, कॉकरोच के पास कैसे लिम्स होते हैं और सबको पसंद भी आता है, खास करके लड़कियों को कॉकरोच बहुत पसंद आता है, इज इट। तो है छोटा सा लेकिन डरते सभी हैं, ये तो फैक्ट है ना। तो बात चल रही है आर्थ्रोपोड्स की। आर्थ्रोपोड्स में एक छोटा वाला हम लोग कहेंगे कि इंसेक्ट्स का नाम लेते हैं पहले, इंसेक्ट्स, फिर लेंगे हम लोग नाम क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस, फिर आता है अरैकनीड्स, अरैकनीड्स। देखो तो इंसेक्ट्स जो है, इसमें इसके पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है दैट इज मालपिगियम ट्यूब्यूल, मालपिगियम ट्यूब्यूल, ठीक है। और क्रस्टेशियंस जो है इनके पास में होता है एंटीनरी ग्लैंड, हम लोग ऐसा कहेंगे एंटीनरी ग्लैंड, या इसी को आप लोग बोल सकते हो ग्रीन ग्लैंड। फिर से एक बार हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बात चल रही है कि हमारे पास डिफरेंट, आप लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में इन सभी को समझा है कि ये डिफरेंट फाइलम्स होते हैं, फाइलम पोरिफेरा से लेके हेमीकॉर्डेटा तक, और उसके बाद आता है कॉर्डेटा, जैसे कि हम लोग जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट्स आता है, उसकी चर्चा भी आगे होगी। ये सब कुछ आप लोग पढ़ने वाले हो, एनिमल किंगडम नाम का आपका टॉपिक है 11th में, ठीक है। अभी थोड़ा सा बस कनेक्ट करिए, इसको याद रख लिए, याद रख लीजिए। ज़रूरी नहीं है आपको पूरे कैरेक्टर्स इनके पता हो, सिर्फ आपको थोड़ा सा एक नाम तो सभी को पता है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि भाई ये फाइलम्स है और इनके ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो कि आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। देखो तो बात चल रही थी फाइलम ओरिफेरा निडारिया, जिसके पास में प्लाज्मा लेमा मतलब सेल मेम्ब्रेन से एक्सक्रीशन होता है, या तो जनरल बॉडी सरफेस से होता है हम लोग कहेंगे, जिसमें स्पॉन्जेस आता है पोरीफेरा में, हाइड्रा आता है निडारिया में, ये एग्जांपल्स हो गए। उसके बाद प्लैटी हेलमेंटिस, जिसको फ्लैट वर्म बोला जाता है, फ्लैट वर्म्स के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल आप लोगों को कहना है। उसके बाद एस्किलमेंथिस, जिसके पास होता है यच शेप रिनेट सेल होता है, ठीक है। उसके बाद एनेलिडा, जिसके पास हम लोग अर्थवर्म जैसे कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं एनेलिडा में, जिसमें नेफ्रिडिया इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, नेफ्रिडिया। और आर्थ्रोपोडा ये लार्जेस्ट फाइलम है, जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली तीन बड़े ग्रुप्स को ले रहे हैं, तीन बड़े क्लासेस को ले रहे हैं, एक है इंसेक्ट, एक है क्रस्टेशियन और तीसरा है अरैकनीड्स। अब इनके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो देखो, इंसेक्ट्स मतलब आप लोग बटरफ्लाई ले सकते हो, काफ़ी सारे होते हैं, हाउस फ्लाइज है इंसेक्ट्स में आएगा। ये क्रस्टेशियंस जो होते हैं, इसमें क्रैब को ले सकते हो, प्रॉन को ले सकते हो, क्रस्टेशियन में क्रैब प्रॉन, और अरैकनिड्स में आप लोग ले सकते हो स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, ठीक है। इनको रिप्रेजेंट करने वाले ये ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें क्रैब और प्रॉन आ गया, इसके अंदर कौन आ गया, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। अब देखो कि इंसेक्ट्स के पास मालपिगियम ट्यूब्यूल है, क्रस्टेशियंस के पास एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड है फॉर द एक्सक्रीशन पर्पस, उसके बाद अरैकनिड्स,
अरेकनिड्स के पास क्या होता है? इनके पास होता है कोक्सल ग्लैंड। क्या होता है? कोक्सल ग्लैंड। यहाँ पे ध्यान रखना एक बात को कि एंटीनरी ग्लैंड के लिए आपके पास वहाँ पे एमसीक्यू में ऑप्शन और एक अल्टरनेट नाम आ सकता है जिसको बोला जाएगा ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। अब अगर समझो एमसीक्यू आता है और वहाँ पे लिखा है आर्थ्रोपोड्स और ऑप्शंस के अंदर आपको कहीं पे एक दिखता है मालपिगियम ट्यूब्यूल, ठीक है, बाकी ये सभी के नाम नहीं है, एंटीनरी नहीं है, ग्रीन नहीं है, कोक्सल नहीं है, तो आर्थ्रोपोड्स के लिए आपको किसको सेलेक्ट करना है? मालपिगियम ट्यूब्यूल। और एक बात कि एनसीईआरटी के अंदर आर्थ्रोपोड्स के नाम से या इंसेक्ट्स के नाम से सिर्फ एक नाम दिया है, उन्होंने ये पूरे डिटेल नहीं दिए कि भाई ये एंटीनरी, ग्रीन और कोक्सल भी होता है। वहाँ पे एक्सक्रेटरी सिस्टम का जो चैप्टर है वहाँ पे आपको आर्थ्रोपोड्स के लिए सिर्फ एक नाम मिलेगा, मालपिगियम ट्यूब्यूल, तो इसको तो पूरा पक्का याद ही रखना है। लेकिन एमसीक्यूज में ये भी पूछे जाते हैं एंटीनरी ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, अगर स्पेसिफिक पूछा गया, अगर ऐसा आता है कि भाई यहाँ पे स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन जो है इनके पास एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन सा है, और वहाँ पे दो नाम दिख रहे हैं आपको, एक मालपिगियम भी दिख रहा है और कोक्सल ग्लैंड भी दिख रहा है, तो आप टिक किसको करना है? कोक्सल ग्लैंड। अगर आता है भाई प्रॉन के लिए कौन सा एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, मालपिगियम ट्यूब्यूल भी नाम आता है लेकिन वहाँ पे ग्रीन ग्लैंड होता है, तो फिर वहाँ पे क्या आंसर करना है आपको? ग्रीन ग्लैंड करना है। मोर स्पेसिफिक अगर दो ये सभी नाम ऑप्शंस में दिखते हैं तो फिर स्पेसिफिक जाना है आपको। समझ में आ रहा है? सभी के नाम नहीं है तो फिर आपको बोलना है मालपिगियम ट्यूब्यूल, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को मालपिगियम ट्यूब्यूल बस यही नाम दिखेगा, उन्होंने ज़्यादा डिटेल लिया नहीं है, ठीक है। देख उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आता है जिसको हम लोग कहेंगे आपको ब्लड दिख रहा है, अब देखो ठीक, चलो ठीक है, देखो बात चल रही है। हाँ प्लीज पे अटेंशन, मैसेजिंग बंद करिए। हाँ प्लीज पे अटेंशन, देखिए, हाँ देखो बात चल रही है एक सेकेंड होल्ड करिए आपको।